जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों ड्रीम एडिशन चल ही रहा है दोस्तों मारुति की तरफ से। तीन कारें आपको एक ही भाव में मिल रही हैं, 4,99,000 रुपए के अंदर आपको सिलेरियो का LXI वेरिएंट, ऑल्टो K10 का VXI प्लस वेरिएंट और एक्सप्रेसो का VXI वेरिएंट तीनों मिल रहा है और तीनों पर भारी डिस्काउंट भी चल रहा है। सारे डिस्काउंट की वीडियो जिसमें ऑल्टो K10 और एक्सप्रेसो की वीडियो तो मैं डाल चुका हूँ और अब सामने है आपके सिलेरियो के LXI वेरिएंट की। क्या कुछ मिलेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा, सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फाइनली दोस्तों ड्रीम एडिशन सीरीज की सिलेरियो सामने आ चुकी है, LXI वेरिएंट है सामने जो खड़ा है। अब देखो कीमत वगैरह सुन लो, पहले सबसे पहले डिस्काउंट मिल रहा है गाड़ी के ऊपर 35,000 रुपये का और किट मिल रही है इसमें 18,000 की, मतलब 17,990 की। क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा सब कुछ, और आपको डिस्प्ले भी कर दूंगा कि क्या क्या आपको इसमें फीचर्स मिलने वाले हैं किट के अंदर, ठीक है, और मैं बता भी दूंगा गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके इंजन वगैरह से। तो इंजन आपको 1 लीटर का K सीरीज का 3 सिलेंडर मिलता है, 65 BHP की पावर और 89 Nm का टॉर्क मिलता है। ये तो सब ऑलमोस्ट वही रहने वाला है जो कुछ था, ठीक है। क्या क्या मिल जाएगा किट के अंदर वो सब बात करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रंट देख लो, हेडलैम्प देख लो, हेलोजन बेस्ड मिल जाती हैं कुछ इस तरीके से। सामने ग्रिल है, ग्रिल आप देख लो, सुजुकी का बीच में लोगो मिल जाएगा। नीचे इस वेरियंट के अंदर आपको फॉग लाइट नहीं मिलती हैं, सामने की ग्रिल वगैरह देख सकते हो आप, ये देखो। उसके बाद साइड में आ जाएँ तो टायर प्रोफाइल देख लो, यहाँ पर आपको जो है 165/70 के साथ में 14 इंच का स्टील रिम देखने के लिए मिलता है। यहाँ फ्रंट फेंडर पर इंडिकेटर मिल जाता है, और अगर यहाँ देखें ORVM तो ये देखो बॉडी कलर में मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता क्योंकि फ्रंट फेंडर पर मिल चुका है। अब देखो डोर हैंडल्स इस तरीके से मिलेंगे इसमें और इसमें। अब पीछे आ जाते हैं, पीछे की तरफ आके देखें तो देखो ये है टेल लाइट कुछ इस तरीके से, ठीक है। टेल लाइट का सेटअप वही है जैसा पहले आता था, वैसी ही रहने वाली है। उसके बाद नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करूँ तो दो मिलेंगे, और रिफ्लेक्टर के अंदर ही मिलते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं, ब्लैक कलर में ही एक यहाँ पर मिल जाता है और एक आपको इस तरफ मिल जाता है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद देखो बीच में, पहले तो सिलेरियो की ब्रांडिंग देख लो, मारुति का लोगो देख लो, और बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर भी पीछे आपको इस तरीके से डोर हैंडल मिलेगा और चाबी से ओपन करना है। अब एक काम करता हूँ, पहले ये ग्लास देख लो, पीछे डिफॉगर नहीं मिलेगा, रियर वाइपर नहीं मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप तो मिल जाती है। अब चाबी देख लो, पहले चाबी कैसी मिलेगी, तो चाबी देखो कुछ इस तरह की, दो नॉर्मल की मिलती है, कोई भी इसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती है, तो इस तरह की सिंपल चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। फ्यूल टैंक की बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपको 37 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। एंटीना रह गया था, एंटीना देख लो इस तरीके से बड़ा वाला मिलेगा। अब एक काम करता हूँ, डोर को करता हूँ ओपन और फिर दिखाता हूँ अंदर क्या कुछ मिलेगा। तो जैसे मैं डोर को ओपन करूँगा तो देखो डोर पे कहीं भी आपको यहाँ पावर विंडो के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मैं दिखा दूंगा कहाँ मिलेंगे। उसके बाद देखो ये सब कुछ प्लास्टिक में ही मिलेगा, ब्लैक कलर के। ये सिल्वर में डोर हैंडल्स मिल जाता है, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट मिल जाता है, स्पीकर। अब देखो जो किट थी, किट के अंदर आपको पाइनियर का जो है म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, साथ में दो स्पीकर मिल जाएंगे और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। ये तीन चीज़ें आपको 18,000 रुपये की किट के अंदर देखने के लिए मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखें तो देखो AC वेंट का डिज़ाइन आपको दिख ही रहा होगा इस तरीके से। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ORVM मिल जाते हैं, फोल्डेबल नहीं मिलते। ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ऑटो कट ऑफ का बटन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सीटिंग में देखें तो कोई हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है। नीचे की तरफ देख लो, तीनों पैडल मिल जाते हैं, साथ में डेड पैडल का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखेंगे। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो देखो सामने देख लो भाई कैसा आता है। इसका इग्निशन में अगर ऑन करता हूँ तो ये देखो ऐसा जगमग सा हो जाता है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पर बड़ा सा तो स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सारे ये दिखेंगे इस तरफ, उसके बाद RPM के लिए इस तरफ दिखाई देगा, मैं अभी ऑन करके दिखा दूंगा, और बीच में एक छोटी सी MID दिख जाती है। तो देखो दोस्तों ऐसा आपको अब सेटअप मिलेगा। स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलेगा, न टिल्ट मिलता है न टेलीस्कोपिक मिलता है। इस तरफ आ जाए तो देखो यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगा के देगी कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये अच्छी चीज़ है, साथ में दो स्पीकर भी दे देगी। पावर विंडो के ऑप्शन तो ये हो गए फ्रंट वाले, ठीक है। पीछे वाली विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए चाइल्ड सेफ्टी बटन भी आपका यहाँ मिल जाएगा, और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने वाले बटन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। AC की बात करें तो देखो मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एस्प्रेसो हो गया, आपका K10 हो गया, इन सब में सेम यही प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएं तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 12 वोल्ट का एक पोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, एक मोबाइल रखने के लिए स्पेस,
दो कप होल्डर और यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और पार्किंग ब्रेक मैनुअली। उसके बाद देखो यहाँ पर ग्लोव बॉक्स देख लो, ठीक ठाक सफिशियंट सा स्पेस आपको ग्लोव बॉक्स में मिल जाता है। दो एयर बैग आपको फ्रंट में मिलते हैं क्योंकि मैंडेटरी है दो एयर बैग, ठीक है, तो इस तरीके से मिल जाता है। ये आपको डैशबोर्ड का पैटर्न मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख लें तो देखो ड्राइवर साइड में ये टिकट होल्डर मिल जाता है। डे नाइट वाला आपको IRVM देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लाइटिंग कुछ ऐसी येलो कलर में देखने के लिए मिलेगी। और इस तरफ देखें तो पैसेंजर साइड में जो सनशेड है उसमें छोटा सा वैनिटी मिरर दिख जाएगा। ये ग्रैब हैंडल हार्ड प्लास्टिक में देखने के लिए मिलेंगे। अब एक काम करते हैं, पीछे वाली सीट पर चलते हैं, रियर सीट पर, वहाँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं पीछे की तरफ। तो जैसे इसे डोर को ओपन करते हैं तो पीछे वाली सीट देख लो भाई, इस तरीके से मिलेंगी, ठीक है। कोई भी यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ बॉटल होल्डर मिल जाएगा, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, ये मिल जाता है। पीछे वाली सीट देख लो, नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। बैठ के दिखाता हूँ मैं, अब यहाँ बैठता हूँ ना तो पीछे वाले विंडो के पावर ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। पावर विंडो के ऑप्शन देखो यहाँ पर मिल गए, जैसे कि उसमें मिलते थे महिंद्रा बुलेरो में पहले, तो इस जगह पे मिलते थे, यहाँ दे दिए हैं और डोर पर नहीं दिए गए हैं। ये डोर ट्रिम्स वगैरह आप इस तरीके से देख लो। पीछे से देखो डैशबोर्ड तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। पीछे की तरफ कोई लाइट वाइट नहीं मिलेगी, लेकिन ये ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। पार्सल ट्रे मिल जाती है दोस्तों, और क्या चाहिए, ये देखो पार्सल ट्रे। अब एक काम करेंगे कि इसका बूट है उसे खोल के दिखाता हूँ, बूट के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बाहर और अंदर तो मैंने आपको दिखाई दिया, जो जो चीज़ थी नई नई और जो पुरानी थी वो सब मैंने आपको दिखा दी। तो ये है कुछ इस तरीके का। अब करते हैं बूट को ओपन और यहाँ से जैसे ही चाबी लगाते हैं, ठीक है, ये खुल, इस तरीके से इसे उठा दो। देखो भाई इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है, 313 लीटर कैपेसिटी मिल जाती है। और एक फ़ायदा और मिल जाता है कि जो पीछे वाली सीट है ना, रियर सीट, वो 60-40 में स्प्लिट हो जाती हैं। पार्सल ट्रे तो मिल ही रही है, अभी मैं सीटिंग भी दिखाता हूँ। उसके बाद स्पेयर व्हील देख लो, आपको सेम साइज़ का स्पेयर व्हील देख जाएगा, स्पेयर व्हील में कोई कमी नहीं है, ठीक है, स्पेस काफ़ी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। पार्सल ट्रे मिल गई, अब एक काम करता हूँ आपको जो है दिखाता हूँ पीछे वाली सीट। देखो ये जो सीट है आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इधर से दिखा दूं मैं तो, ये देखो 60-40 में स्प्लिट हो जाती हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद टेलगेट को भी देखो प्रॉपर कवर कर रखा है, ठीक है। अब जो कैमरा लगेगा वो यहाँ नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर लगेगा, ठीक है, तो उस तरफ कैमरा लग जाएगा। अब सामने की तरफ आ जाता हूँ और वीडियो करता हूँ ख़त्म। तो दोस्तों ये थी ड्रीम एडिशन सीरीज़ की तीसरी कार सिलेरियो, ठीक है। सिलेरियो का LXi वेरिएंट आपको ड्रीम एडिशन किट सीरीज़ में मिलेगा। किट आपको बता दी 18,000 रुपये की मिलेगी, जिसके अंदर म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, दो स्पीकर मिल जाएंगे और रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, और 35,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा गाड़ी पे आपको, मतलब टोटल 4,99,000 रुपये में ये आपको पूरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। तो कैसी लगी वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।